पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति के अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताया था। आज हम आपको बताते हैं कि चतुर्थांश का कैसे निर्धारण किया जाता है, जो आपके चार क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश होते हैं, उनका निर्धारण कैसे होता है। भुज और कोट जो आपके अक्ष दिए होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष दिया गया है, ये वाई अक्ष दिया गया है। जो एक्स अक्ष है उसे हम भुज कहते हैं और ये कोट, इसमें चार चतुर्थांश दिए गए हैं। पहला चतुर्थांश ये दिया गया है, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड एंड फोर्थ। पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि इसमें सभी आल प्लस होते हैं, आल प्लस जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी प्लस में होते हैं। इसमें केवल दो होते हैं, साइन और कॉसेक जो होते हैं वो प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। इसमें टेन और कॉट होते हैं और इसमें कॉस और सेक। अब यहाँ पर निर्धारण कैसे होता है कि किस तरीके से हम जानते हैं कि किस चतुर्थांश में कोई मान होगा, और उसमें ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर यदि वो किस चतुर्थांश में है तो इसमें धन यानी पॉजिटिव कौन कौन से अनुपात होंगे, रेशियो कौन कौन से पॉजिटिव होंगे और बाकी के तो सभी माइनस होंगे ही होंगे। तो यहाँ से हम जीरो से शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ पर ये जीरो है तो यहाँ से यहाँ तक यानी जीरो से नब्बे के बीच जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। नब्बे से ज़्यादा और 180 से कम, यानी 180 से उसकी वैल्यू कम हो और 90 से ज़्यादा हो तो उसे हम सेकेंड चतुर्थांश में रखेंगे। अगर 180 से ज़्यादा और 270 से कम, यानी ये वैल्यू जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए और 90 से लेस होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 90 से ग्रेटर हो और 180 से कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा होनी चाहिए और 270 से कम। इसकी जो चौथा चतुर्थांश दिया गया है 270 से ज़्यादा और 360 से कम होनी चाहिए। अब इस कंडीशन में जैसे मान लिया जाए ये लिखा हुआ है 135 अंश, तो 135 अंश किस चतुर्थांश में होगा, और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो ये भी हम पता कर लेते हैं इसमें कौन कौन से अनुपात पॉजिटिव होंगे और कौन से निगेटिव होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं 135 अंश, तो यहाँ पर ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम, तो ये किस चतुर्थांश में होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में। ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब इसमें कौन कौन पॉजिटिव होंगे तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सभी जो होंगे वो निगेटिव होंगे। यानी अब यहाँ पर इससे ये भी पता चलता है, लेकिन चलिए एक दो और क्वेश्चन बताते हैं। लिखा हुआ है 240, 225, 315, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है तो ये किस चतुर्थांश में होंगे, तो ये आपको हम बता देते हैं कि चतुर्थांश आपका क्या होगा। चतुर्थांश ये 180 से ज्यादा है और 270 से कम, मींस यहां पर 180 से ज्यादा और 270 से कम, ये थर्ड चतुर्थांश में होगा। इसका चतुर्थांश जो होगा वो थर्ड होगा। ये भी उसी तरीके से है, 180 से ज्यादा है और 270 से कम, तो ये भी थर्ड चतुर्थांश में होगा, क्वाड्रेंट इसका थर्ड होगा। और ये 315 270 से ऊपर और 360 से नीचे है, इसलिए ये किस चतुर्थांश में होगा, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट दिया गया है। इस तरीके से वैल्यू निकाल ली जाती हैं। यदि इसके ऊपर कभी कभी आ जाती हैं, मान लीजिए वो 780 का पूछा गया, 780 इस कंडीशन में पूछ लिया जाता है, तब आप कैसे बताएंगे कि ये किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये 780 निकालने के लिए इसको 360 से भाग देते हैं, ये दो बार कंप्लीट चला जाएगा, 320 हो जाएगा ये,
और यहाँ पर ये 60 यानी 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये पहले चतुर्थांश में होगा। अगर हम 780 की बात करते हैं, जब 360 से ऊपर कोई भी संख्या होती है तो उसको इस तरीके से हम जानते हैं कि 360 से उसको डिवाइड करते हैं, जितना कंप्लीट हो जाता है उसको छोड़ दिया जाता है, बाकी की जो वैल्यू शेष बचती है अंततः, तो उसकी वैल्यू सेम इन क्वाड्रेंट के अनुसार या इन कोणों के आधार पे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर ये आपसे कहा जाए कि इसमें प्लस कौन होगा, यानी पॉजिटिव कौन कौन से अनुपात होंगे, प्लस रेशियो जो होंगे, थर्ड में आपके टेन और कॉट और कॉट थीटा, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। फोर्थ में आपके कॉस और सेक, सेक थीटा दिया गया है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल प्लस होते हैं, आल पॉजिटिव होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब आपसे कहा जाता है कि ये किस चतुर्थांश में होगा और इसमें कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे वो प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, ये हम पता कर लेते हैं। आइए अब बताते हैं आपको, जब कोई संख्या माइनस में दी जाती है, अभी तक मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रेशियो से निकालते सब कुछ ऐसे ही हैं, बस चेंज इतना होता है कि अभी तक अगर पॉजिटिव कोणों के मान दिए होते थे, प्लस में दिए होते थे, तो हम इधर से इधर की ओर जाते हैं, लेकिन जब माइनस में दिए होते हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट यहीं से करेंगे लेकिन विपरीत दिशा में, उल्टी तरफ। अगर ये लिखा हुआ है -135 दिया गया है, अब ये किस चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ से उल्टी दिशा में जाते हैं, ये 90 यहाँ तक हो गया और 135 सीसी के बीच में कहीं यहीं पर होगा। अब ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी जो इसका क्वाड्रेंट होगा वो थर्ड होगा। थर्ड में आपके टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं। इसी तरह से माइनस में चाहे वो जितनी भी संख्या दी हो, इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं। कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात मान जो दिए होते हैं, जो पाई यानी पाई रेडियन के उसमें दिए होते हैं, उनको कैसे फाइंड किया जाता है, वैसे पाई रेडियन जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है, वो 180 अंश के बराबर होता है। अब मान लीजिए कोई कोण दिया गया है 4/5 पाई दिया गया है, अब 4/5 और गुणे इसकी वैल्यू 180, ये 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा 144 अंश। अब ये किस चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ से 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो सेकेंड चतुर्थांश में होगा, जबकि अगर इसके आगे माइनस लगा हो तो 90 यहाँ से इधर और 144 इसी के बीच में आएगा, तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस तरीके से आप इनमें चतुर्थांश का पता कर सकते हैं और कौन से चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सा रेशियो अनुपात जो होगा अनुपात होगा वो प्लस में होगा या कौन सा रेशियो माइनस में होगा। अब हम आपको अगले वीडियो में जो आगे बताएंगे उसमें कोणों, दो कोणों के योग और अंतर की घटनाएं कैसे होती हैं वो आके वीडियो में बताएंगे।